जिस देश में प्राचीन समय में देवों ने असुरों को युद्ध में पराजित कर भगा दिया और हम लोगों के लिए ये देश स्वतंत्र रखा, उसी देश में हम लोगों ने पराधीनता की कालिमा लगा दी। कैसे शोक की कथा। वाचक ही विचार करें कि राष्ट्रीय गीत हमें किन बातों का स्मरण दिलाता है। प्राचीन पूर्वजों ने यों किया और त्यों किया, ये बातें केवल रूखे अभिमान और गर्व के लिए नहीं कही जाती। उनके कहने का उपदेश ये होता है कि उन पूर्वजों के उज्जवल कार्यों में हमें स्फूर्ति मिले और हम भी कुछ वैसा ही कार्य करें। हम लोगों को चाहिए कि उस उद्देश्य की पूर्ति से हम लोगों से कहाँ तक हो सकी है ये देखें और उस नयनता को पूरा करने का निश्चय करें। हमारा ये वैदिक राष्ट्रीय गीत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसके जैसा राष्ट्रीय गीत दूसरे देवों के धर्म ग्रंथों में तो है ही नहीं, पर उन लोगों के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। ऐसा होते हुए भी हमारे देश के लोग राष्ट्र की उन्नति के विषय में लापरवाह हैं और अन्य बहुत से देशों के लोग राष्ट्र के हित के लिए तत्पर रहें, इस दशा को देखकर कैसा भारी आश्चर्य होता है। हमारा राष्ट्रीय गीत इतना विस्तृत रहे, उसमें उदात्त विचारों के अप्रतिम विचारों से लबालब भरे हुए दिव्य मंत्र हैं। ऐसे होते हुए भी हमारे साहित्य के राष्ट्रीयता का भाव ही नहीं और ये भाव हमारे लिए परकीय है, इस प्रकार की समझ रखने वाले हरि के लाल में हमसे हैं। अस्तु, वस्तु स्थिति जैसे हैं वैसी हमने जनता के सन्मुख रख दी है। जहां उपजता है वहां बिकता नहीं और जहां बिकता है वहां उपजता नहीं, ये कहावत यहां चरितार्थ होती है। और देखिए, जिस भूमि की नाप अश्विनी कुमारों ने की, जिस भूमि में भगवान विष्णु ने पराक्रम किया, शक्तिशाली इंद्र ने जिसे अपने लिए शत्रु रहित किया, वही हमारी मातृभूमि जैसे माता अपने बालकों को दूध देती है, वैसे ही मुझे उपभोग के लिए पदार्थ देवे। इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों में बतलाया है कि देवों ने इस मातृभूमि के लिए क्या क्या किया है। अश्विनी कुमार ने देश देशांतर के क्षेत्रों की माप की, देश की सीमाएं निश्चित की, जमीन नाप ली और इस प्रकार मातृभूमि की सेवा की। भगवान विष्णु ने जो पराक्रम किए वह सबको विदित ही हैं। इंद्र ने हजारों युद्ध किए और इस मातृभूमि को शत्रु के कष्टों से छुड़ाया है। इसी प्रकार अनन्य देवताओं ने भी इस मातृभूमि के लिए जो कुछ बन सकता है किया है, उसमें कुछ कसर ना रखी। देव और असुरों के युद्ध में हजारों देव वीरों ने इस मातृभूमि उद्धार के लिए युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान किया और इस भूमि को स्वतंत्रता का सौभाग्य प्रदान किया। वही देवों के व्रत हमें भी चलाना चाहिए। देवों ने निश्चित किए हुए मार्ग का ही निश्चय कर हम लोगों को भी किए, ये जानकर कि हम लोगों के लिए देवों ने तथा उस समय के पुरुषों ने क्या किया, हमें उनके ऋण से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषि ऋण कौन सा है सो बतला दिया गया, देव ऋण कौन सा है सो भी बतला दिया गया। इन ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें प्रयत्नशील बनना चाहिए। प्रत्येक को सोचना चाहिए कि हम ऋण मुक्त होने की चेष्टा कर रहे हैं या नहीं। इस देव ऋण के बारे में एक और मंत्र देखने योग्य है। देव जिस मातृभूमि की रक्षा गलती ना करके और आलस्य ना करके करते आए हैं, उस मातृभूमि हम लोगों को तेज और मीठा शहद आदि खाने के पदार्थ देवें। आलस्य ना करते हुए देव इस भूमि की रक्षा करते आए हैं। आलस्य ना कर सदैव काम करने वाले उन देवों के सन्मुख खड़े होने से आलसी लोगों को शर्म आनी चाहिए। ना थकते हुए, विश्रांति ना लेते हुए हम लोगों के लिए जिन देवों ने ऐसी भारी परिश्रम किए, उनके उस पवित्र कार्य के बदले में हम लोगों ने क्या किया, उनका स्वतंत्र रक्षा का कार्य क्या इस लोगों ने चलाया है और कुछ नहीं, तो क्या हम लोगों ने राष्ट्र उन्नति का कार्य सदैव जारी रखने का भी निश्चय किया है।
वाचक न भूलें कि इन बातों पर विचार करने का समय आ गया है। ऊपर के मंत्र में यही कहा गया है कि देव गलती ना करके रक्षा करते हैं, गलती ना करके रक्षण किया इसी से देव बंधन से छुटकारा पा सके। असुरों ने अनेक बार देवों की चिरकाल की पराधीनता की बेड़ी में जकड़ देना चाहिए। रावण बलि और इनके सादृश्य अन्य राक्षसों ने इस प्रयत्न में कुछ भी कसर ना रखी, किंतु ऐसे सब अवसरों पर देवों ने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की थी, अपनी स्वाधीनता बनाए रखी थी और असुरों को भगा दिया। गलती ना कर दक्षता से कर्तव्य करने की जो दीक्षा देवों ने हमें दी, क्या हमें उसका अभ्यास सावधानी से करना चाहिए? स्वदेश के कार्यों में हम लोगों की दक्षता क्या वैसी ही है जैसी होनी चाहिए? हम लोग किनारे हट के कारण पग पग पर क्या भारी भूल नहीं कर रहे हैं? वास्तव में राष्ट्रीय कार्य के लिए आत्मसमर्पण करने की हमें सदैव तैयारी रखना चाहिए, किंतु आत्मसमर्पण का समय आने पर उनकी ओर ध्यान न देने। कितने ही लोग इसमें हैं, यदि वाचक स्वयं ही इस बात को सोचेंगे तो उन्हें विदित हो जाएगा कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। विद्वानों का ऋण, ऋषियों का राष्ट्र कार्य हम देख चुके हैं, देवों ने क्या किया शो भी देख लिया। अब हमें देखना है कि जो ऋषि नहीं, उन मननशील बुद्धिमान पुरुषों ने कौन सा कार्य करके राष्ट्र की सेवा की। हमारी जो मातृभूमि प्रथम प्रारंभ में समुद्र के नीचे थी और जिसकी सेवा मननशील विद्वानों ने अनेक प्रकार के कौशल काम करके की, वो हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्र में तेज और बल धारण करे। इस मंत्र का ये भाग प्रस्तुत लेख के प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अतिशय महत्व रखता है। इसका माया शब्द अतीव महत्व का है। इस माया शब्द का अर्थ अद्वैत मत का मायावाद नहीं है। माया शब्द कई अर्थ हैं। नंबर एक, कुशलता, काम की कुशलता, कौशल से किया हुआ कारीगिरी का काम, चातुर। नंबर दो, कपट, दांव पेज जिनकी आवश्यकता राजनीति में है, शत्रुओं का चकमा देने की विद्या। ये सब अर्थ माया शब्द के ही हैं। इन सब के अर्थ से माया शब्द मंत्र में आया है। मनीषी मननशील लोग समय को देखकर कुशलता से, चतुराई से, कपट से व राजनीति के नियमों से मातृभूमि की सेवा करते हैं, यही इस मंत्र का आशय है। इस प्रकार देव, ऋषि और अन्य विद्वानों ने हमारी मातृभूमि की सेवा की है। जो मार्ग ऋषि, देव और अन्य बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने दिखा दिया, उसी में हमें आक्रमण करना चाहिए, उसी रास्ते से हमें जाना चाहिए, तभी हमारी भलाई होगी। हम पर तीन ऋण हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और अन्य ज्ञानियों का ऋण। हमें इन ऋणों को देखना चाहिए और उनसे मुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए। इस लेख के वैदिक राष्ट्रीय गीत के मंत्र हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य का संबंध ऋषि काल की बड़ी विभूतियों में भिड़ाते हैं। हमारी अखंड राष्ट्रीय कर्तव्य ऋषियों ने आरंभ किया, देवों ने उसकी पुष्टि की और अन्य विद्वानों ने उसे बढ़ाया। इस त्रिवेणी संगम से वह हमारे पास आया है, इसमें से हमें उसे आगे चलाना चाहिए, उसे चलाना हमारा आवश्यक कर्तव्य ही है। यदि हम उस कार्य को नहीं चलाते तो ऋषि और देव हमें जवाब पूछेंगे। हर एक को ये बात अच्छी तरह स्मरण रखनी चाहिए। वाचक विचार करें, इस मंत्र के उपदेश पर अच्छी तरह ध्यान दें और देखें कि हमारा धर्म कैसे विलक्षण और उच्च राष्ट्रीय धर्म का उपदेश करता है और वह उसके अनुसार आचरण के लिए तत्पर रहूं। हमारे राष्ट्रों को संसार के राष्ट्रों में उच्च से उच्च स्थान पर पहुंचने की जवाबदेही हम पर ही है, उसे निभाने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए।